हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी हम जाने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज, और जैसा आप सभी को पता है कि अभी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, तो बहुत से लोगों के मन में ये बात होगी कि क्या एग्ज़ाम में चोरी हो रही है, क्या सेंटर में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं। और जैसा आप सभी को पता होगा कि हमारा जो एक ही यूनिवर्सिटी था, वो एक ही यूनिवर्सिटी चेंज होगा, अभी बिहार यूनिवर्सिटी यानी कि BKU यूनिवर्सिटी हो चुका है। तो आपके उसके बारे में हम सभी डिटेल बताएंगे, क्या है एग्ज़ाम का पैटर्न, कैसा हो रहा है, सभी बताने वाले हैं। बन रहिएगा वीडियो में, चलते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है कॉलेज। अब हम चलेंगे यहाँ से अंदर, और ये सामने जो देख रहे हैं वो अभी एग्ज़ाम देने आए हुए हैं। अभी क्या हालत, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, जो सेकेंड शिफ्ट में भी हो रहा है। चलते हैं यहाँ से दोस्तों। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पेज पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और जो सामने आप देख रहे हैं गाड़ी, ये पुलिस की गाड़ी है, और यहाँ पर दोस्तों भारी मात्रा में जो है बिहार पुलिस को उतारा गया है। हालांकि जो एग्ज़ाम है इतना टफ है कि आप सोच नहीं सकते, इतना एग्ज़ाम टफ लिया जा रहा है दोस्तों। यहाँ से आपको चलते हैं अंदर और सभी चीज़ दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर फोर्स उतरा हुआ है, इसे ही बिहार पुलिस के कॉन्स्टेबल लोग हैं। दोस्तों आप सोच नहीं सकते कि कितना टफ एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जा रहा है। जिन लोगों के भी मन में ये सोच हुआ कि हाँ हम चोरी करते थे, चोरी करके पास कर लेंगे, वो अब दोस्तों अब नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम इतना टफ लिया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पर लोग बच्चों को हिलने नहीं दिया एग्ज़ाम के टाइम में। चलते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं अंदर एग्ज़ाम का क्या रूम है। से ये देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम देख लोग निकल रहे हैं अभी, बहुत ही बुरा हाल है सभी लोगों का, आप देख सकते हैं। चलते हैं, आपको इसके रूम के बारे में बताते हैं अंदर चल के, आपको सभी चीज़ें। ये रहा हमारा रूम एग्ज़ाम का, ये देख सकते हैं, ये रहा एग्ज़ाम रूम। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना छोटा रूम है, और मात्र इसमें चार रो बेंच लगा हुआ है, चार ही रो में दोस्तों। इसमें दो इन्विजिलेटर लग जो गार्डन के लिए दिया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि जो इन्विजिलेटर यहाँ पे आते हैं वो चोरी करने देते हैं या छूट करने देते हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। अगर आप पढ़ के नहीं आ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम फेल हो सकते हैं दोस्तों, ऐसा यहाँ पे जो है तैयार किया हुआ। आप सामने देख सकते हैं एक कैमरा लगा हुआ है, ये एक सामने कैमरा लगा हुआ है दोस्तों, और एक जो कैमरा है पीछे की तरफ लगा हुआ है, जो आप सामने वहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें कि हाँ हम चोरी कर सकते, आप इन्विजिलेटर की नज़र से बच जा रहे हैं, तो आप कैमरा में पकड़ा जाइएगा। और अगर आप कैमरा में पकड़ा रहे हैं तो आपको सीधे प्रिंसिपल ऑफिस से बुलावा आ सकता है दोस्तों। सो अगर आप चाह रहे हैं कि बिना पढ़े हुए हम एग्ज़ाम दें, तो हो नहीं सकता। अब आपको चलते हैं दूसरे रूम में, और दूसरे रूम में आपको चल के इसके बारे में सब कुछ बताते हैं। इतना टफ एग्ज़ाम लिया जा रहा है दोस्तों कि आप समझ नहीं सकते हैं कैसा एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ये रहा हमारा सेकेंड रूम, और ये रूम दोस्तों उससे भी छोटा रूम है, ये आप देख सकते हैं, उससे भी ये छोटा रूम है। और इसमें भी हालांकि चार रो लगा हुआ है बेंच, और ये उससे भी छोटा रूम है। हालांकि एक रो में मुश्किल से दोस्तों 5 से 6 बेंच लगा हुआ होगा, अब समझ सकते हैं कि एक रूम में कितने बेंचेज है। और इसमें भी आप देख सकते हैं एक सामने के तरफ कैमरा लगा हुआ है, और एक इसमें भी पीछे की तरफ कैमरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप चाहकर भी इसमें चोरी नहीं कर सकते। सो अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम हम पास करें, तो आपको पढ़ना होगा। बिना पढ़े हुए आप, पहले वाला बात नहीं रहा दोस्तों कि आप चोरी करके पास हो जाइएगा, अब वैसा कोई बात नहीं है। सो आपको अगर एग्ज़ाम पास करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप न्यू एडमिशन लेने आ रहे हैं, तो आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो पढ़िएगा जरूर, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों एग्ज़ाम का पैटर्न। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे एग्ज़ाम का वीडियो और कोई भी ऐसा वीडियो हो जो आपको सबसे पहले ही मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।